Now, next topic is calculations of median continuous series. मैं सुमित जैन आपका स्वागत करता हूँ सुमित जैन चैनल में. आज का टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ मीडियन कंटिन्यूस सीरीज. इन लास्ट वीडियो आई ऑलरेडी कवर डिस्क्रीट सीरीज इन मीडियंस. तो कंटिन्यूस सीरीज है क्या? फर्स्ट अरेंज द डेटा असेंडिंग एंड डिपेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. ठीक है, एक बार ध्यान रखना आपको इसमें जो भी आइटम्स है उसको किस तरह से फाइंड आउट करना है, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है. क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा था कि डिस्क्रीट में जब हमको आइटम फाइंड करनी थी तो n प्लस 1 अपॉन 2 का फॉर्मूला यूज़ किया था हमने. क्या किसके लिए? डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन के लिए. बट अब इसमें फॉर्मूला चेंज हो गया है. इसमें कम्यूटिव फ्रिक्वेंसीज आपको निकालनी है, साथ में आपको जो डिटरमाइन करना आइटम्स, तो n बाई 2 विथ आइटम्स का फॉर्मूला रहेगा. ठीक है ना, ध्यान रखना आप इसमें थोड़ा चेंजेस हो जाते हैं. डिटरमाइन द सी एफ जो विच इंक्लूड n बाई 2 विथ आइटम्स, लोकेट मीडियन क्लास. तो मीडियन क्लास इक्वल टू क्लास करस्पॉन्डिंग टू सी एफ जो विच इंडिकेट n बाई 2 विथ आइटम. ठीक है ना, एंड कैलकुलेट द मीडियन बाय फॉलोइंग फॉर्मूला. ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला क्या है? m इक्वल टू एल वन एन बाई 2 माइनस सी अपॉन बाई एफ और आई. तो c क्या होता है? c मतलब n बाई 2 तो क्या हो गया जो इससे निकालेंगे मीडियन क्लास के वैल्यू. एल वन मतलब इंटरवल्स होते हैं, एल वन माइनस एल वन, एल टू मतलब 20, 30, ये होता है एल वन. ठीक है, f मतलब फ्रिक्वेंसी, i मतलब इंटरवल्स, l मतलब जो भी इंटरवल की जो फर्स्ट वैल्यू होती है, मतलब लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट होती है ना, उसके हिसाब से ये लिमिट होगी. तो आप यहाँ देख सकते हैं L1 इज द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, C इज अ कम्यूटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ प्रोसीडिंग क्लास ऑफ मीडियन क्लास, F इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, I इक्वल टू L2, L1 साइज ऑफ द मीडियन क्लास वेयर डेटा आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर. ठीक है ना, L2 माइनस L1 होता है यहाँ पे. ठीक है, आई की वैल्यू. ठीक, वेन द डेटा आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा तो L1 के लिए हम इसको L2 को यूज़ करेंगे और वहाँ क्या साइन कर देंगे माइनस का, एन बाई 2 माइनस सी अपॉन माई एफ मल्टीप्लाई आई. तो दिस आर द फॉर्मूला ऑफ कंटिन्यूस सीरीज का है इन मीडियन के अंदर. नाउ लेट स्टार्ट द एग्जांपल ऑफ दिस सीरीज. नाउ कैलकुलेट द डेटा. अब आपको एक सीरीज दी हुई है हमें, ठीक है ना, क्वेश्चन दिया, मार्क्स है जिसमें क्लास के 0 टू 10 इंटरवल में, 10 टू 20, 30, 30 टू 40, 40 टू 50, 50 टू 60 के इंटरवल में है. नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑलरेडी यहाँ पे दिए हुए, 0 से 10 में भी 5 स्टूडेंट है, 20 20 के बीच में 15 स्टूडेंट, 20 से 30 के बीच में 12 स्टूडेंट, 30 से 40 के बीच में 18 स्टूडेंट है, 40 से 50 के बीच में 20 स्टूडेंट है और 50 से 60 के बीच में 30 स्टूडेंट है. ठीक है ना, इस तरह से यहाँ पे हमने क्या करा, इसको एक टेबल फॉर्म में अरेंज किया है इस तरह से. तो पहले मार्क्स को लिखेंगे, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट को इस तरह से लिख दिया. अब जो नंबर ऑफ स्टूडेंट होता है वो क्या, वही क्या कहती है यहाँ पे, फ्रिक्वेंसी कहलाती है. ठीक है ना, इसी हम क्या कहते हैं यहाँ पे, फ्रिक्वेंसी एफ. जैसे कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी निकाली जा रही है, तो यहाँ पे सेम वही जैसे 5 प्लस 15 क्या, तो 20 आया. ठीक है, सिंपल तरीका है, 5 प्लस 15 20, 15 20 प्लस 20 प्लस 12 कितना आएगा, 32, 32 प्लस 18 50, 50 प्लस 20 70 और 70 प्लस 30 इक्वल टू 100. तो ये होती लास्ट जो कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी इन सबका जब सम करके जब हमको मिलती है, मतलब वन बाई वन जब सम करते हैं जिससे कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी जिससे सम किया जाता है उसके हिसाब से उसका आंसर है 30. अब आपको निकालना फॉर्मूला अप्लाई करना है कौन सा, एन बाई टू टूथ आइटम के लिए, मतलब मीडियन वैल्यू के लिए. तो 100 बाई 2 कहते 50 आया, 50 आया मतलब ये आया 50 आइटम. तो हम कहा कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी में देखेंगे 50 का हमने यहाँ पे क्या करा, एक एरो के फॉर्म में शो कर दिया. ठीक है, 50 जैसे शो किया था उसकी फ्रिक्वेंसी हमको मिली 18, इसको भी लेंगे और सी क्या लेंगे 32 ले लेंगे. क्लियर है, ये यहाँ लिखा है L1 30, L2 40, सी 32 और F इक्वल टू 18. ठीक है, इस तरह से हमने पहले से यहाँ पे वैल्यू को फाइंड कर लिया. अब नाउ लेट्स स्टार्ट द फॉर्मूला, मतलब L1 प्लस एन बाई 2 माइनस सी अपॉन में एफ इंटू इंटू आई. ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या करना है, जो वैल्यू हमने यहाँ निकाली थी उस वैल्यू को यहाँ पे अरेंज कर देना है. ठीक है, अरेंज करने के बाद तो अरेंज करना होता है तो पुट करना फॉर्मूले के अंदर. तो देखो L1 30 प्लस 50 32 18
मल्टीप्लाई 40 माइनस 30 जब 50 को 32 से माइनस करेंगे तो 18 आएगा, 18 और 18 करेंगे तो क्या आएगा आंसर 1 आएगा। तो 30 प्लस 1 इंटू 10 कितना होता है 30 प्लस 10 होता है और इसका आंसर कितना होता है 40 मार्क्स होता है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कंटिन्यूस सीरीज का जो होता है इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज तरीका क्या है फॉर्मूला याद रखना है ये है जो L1 प्लस M/2 माइनस C / F / I ठीक है ना, ये फॉर्मूला को याद रखना।